नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक राज। दोस्तों, आज उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार कक्ष के द्वार खोल दिए गए हैं। आखिरी बार साल 1978 में इसे खोला गया था। पूरे 46 साल के बाद में इस खजाने को खोला गया है। हालांकि साल 1984 में भी खोला गया था, लेकिन कुछ मरम्मत के चलते ऑफिशियली साल 1978 में खोला गया था। दोस्तों, क्यों खोला गया है? क्योंकि 46 साल से मंदिर के पास में कितना धन आया है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जो बेशकीमती जो गहने रखे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो तीन देवता हैं, जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र, उनके बेशकीमती गहने इस मंदिर में रखे हुए हैं। उनकी क्या वैल्यू है, लिस्टिंग की जाएगी और रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जो ये मंदिर है, इसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। जो ये खजाने का जो दरवाज़ा है, रत्न भंडार कक्ष, उसकी चाबियों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। 2018 में पता चला कि इसकी चाबियां खो गई है। दोस्तों, ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ये मुद्दा लगातार उठाया था कि खजाने के साथ में कुछ गड़बड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार ओडिशा में बनेगी तो हम खजाने के दरवाजे के खोल लेंगे, और ऐसा ही हुआ है। आज दोपहर 1:28 पर खजाने को खोल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे भी बताया जाता है कि इस खजाने की जो रक्षा है वो सांप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सांप पकड़ने वाले हैं, जो सांप ट्रेनर है, रेस्क्यूर हैं, उनको भेजा गया। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि 46 साल से दरवाज़ा नहीं खुला तो सांप कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, वो क्या खा रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे जगन्नाथ का रहस्य, ऐसी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जितनी वीडियो उतनी बातें आपको पता लगेंगी। लेकिन मेन बात ये है कि टाइट सिक्योरिटी के बीच में आज 46 साल के बाद में जगन्नाथ मंदिर का खजाना खुल गया है। ऐसी ऐसी न्यूज़, करंट अफेयर, जीके पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।